फसलों के लिए राइजोबियम का टीका प्रयोग करते हैं, जैसे ये मसूर के लिए है, ये मटर के लिए है, तो जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनके लिए अलग अलग राइजोबियम का टीका प्रयोग होता है। इसके अलावा दूसरी फसलों के लिए भी जीवाणु खाद हैं, जैसे ये एजोटोबैक्टर है, जो दाल जातीय फसलों के अलावा जो फसलें हैं जैसे गेहूँ है, सरसों है और सब्जियां हैं, उनके लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा एजोस्पर्म है, जो मोटे अनाज है, मक्का है और जो भी मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा दूसरा पोषक तत्व जो है फास्फोरस, उसके लिए PSB फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, उसका टीका ये है। और ये PSB जो है ये सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। ये जीवाणु खाद दो तरह के फॉर्मुलेशंस में उपलब्ध होते हैं, एक तो होता है पाउडर वाला फॉर्मुलेशन, जैसे ये है राइजोबियम है, PSB है, एजोटोबैक्टर है, ये दूसरे ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी उपलब्ध है। मगर ये जो भी पूसा संस्थान में जितने भी उत्पाद हैं ये 1 एकड़ के लिए एक पैकेट या 1 CC जो 50 ml की है, ये 1 एकड़ के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। अब मैं बताऊंगा कि बीज का उपचार कैसे करते हैं, उसके लिए हमने ये मसूर का बीज लिया है जो अभी बोने का समय चल रहा है। मसूर का बीज लेते हैं और जितना 1 एकड़ में जितना बीज लगता है वो हम ले लेते हैं। और मसूर के लिए हम जो मसूर वाला राइजोबियम का टीका प्रयोग करेंगे और इसके साथ साथ हम PSB बीज के साथ प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के लिए हमने गुड़ 5% घोल बनाया है, गुड़ का 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ हमने घोला है और उसको हमने उबाला है, अच्छे से उबाला है और उबालने के बाद ठंडा किया है और ये हमारा वो तैयार है। ठंडा करने के बाद तैयार है घोल। राइजोबियम का टीका लिया है, इसको हम अब ये हमारा जो घोल है गुड़ का घोल उसमें मिलाएंगे, एक साइड से इसको काट लेंगे और उस राइजोबियम का टीके को हम इस घोल में मिलाएंगे। ये टीका जो है ये 1 एकड़ में 1 पैकेट लगेगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद हम इसको धीरे धीरे इसको बीज के साथ मिलाएंगे और हाथ से इसको धीरे धीरे मिलाते रहेंगे और ध्यान ये रहेगा कि सारे बीज पर ये टीका लग जाए और बीज गीले हो जाएं। उसके बाद बीज जब गीले हो जाएंगे तो उनको सूखने के लिए फैला देंगे और ये सारी प्रक्रिया जो है बीज उपचार की वो हम छाया में करेंगे, धूप में बिल्कुल नहीं करेंगे और उपचारित बीज को छाया में सुखाएंगे और सुखाने के बाद जितना जल्दी हो सके उसको उसी दिन खेत में उसकी बुआई कर देंगे। तो जो बायो फर्टिलाइजर का जो दूसरा जो फॉर्मुलेशन है लिक्विड फॉर्मुलेशन, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो इस तरह के टीके होते हैं, 50 ml के टीके है जो 1 एकड़ के लिए, उसके लिए हमें गुड़ का घोल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको करना ये है कि हम बीज की मात्रा के हिसाब से इसको डायल्यूट कर लेंगे, इसमें पानी मिला लेंगे और इतना पानी मिलाएंगे ताकि बीज पूरा गीला हो जाए और उपचारित होने के बाद हम उसको भी छाया में सुखाएंगे और उसके बाद उसकी बुआई के लिए हम जा सकते हैं।